के काप देखो फिर चार एक्सरसाइज किए दोस्तों, काप दिखाओ अपने, ये देखो ये पार्ट, देखो ये पार्ट खाली चार एक्सरसाइज किए दोस्तों इसमें, ये देखो ओके। सो दोस्तों ये थी हमारी चार एक्सरसाइज काप के लिए। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है काफ ट्रेनिंग, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने काफ कैसे अच्छे से ट्रेन कर सकते, अच्छे से बिल्ड कर सकते, कौन सी वो चार एक्सरसाइज है जिससे आप अपने काफ ट्रेन कर सकते, ओके। तो दोस्तों जो हमारे चार एक्सरसाइज है वो आपने पहले भी किए होंगे या आप बचपन से आके स्कूल में भी आपने कभी किया होगा, जैसे डक वॉक है, जंप है, ओके। तो वही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके रेपिटेशन एंड पोजिशन मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह से, कि जिससे आपका काफ डेवलपमेंट अच्छा हो, ओके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों ये मेरा दोस्त है दोस्तों, ये कबड्डी का प्लेयर है दोस्तों, और आप तो जानते हैं कि कबड्डी में कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है पैरों को मजबूत बनाने के लिए। तो दोस्तों वही वो एक्सरसाइज यूज करता है और उससे ही उसने उसका काफ है वो अच्छे से डेवलप किया है, आप उसके काफ देख सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों आप उसका काप कितना मजबूत हो चुका है, ये काप का जो पार्ट है पूरा उसका भी पार्ट देख सकते हैं उस पैर का भी दोस्तों, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, कितना स्ट्रांग लेग है दोस्तों इसका, आप देख सकते हैं थाइस की तरह उसका काप है, क्योंकि कबड्डी के जो प्लेयर रहते हैं दोस्तों उनको पैर की मजबूती ज़रूरी होती है, ओके दोस्तों। तो आप भी ऐसा काप बना सकते हैं, वो जो एक्सरसाइज बताएगा वो आप फॉलो कीजिए, मुझे गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ आपके भी काफ ऐसे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या क्या एक्सरसाइज है मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो जो पहला हमारा दोस्तों एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आपके जो पैर है ओके, जो अप डाउन कर उसके आपको कितने सेट लगाने दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे आपको बता रहा हूँ अब कीजिए ओके। जब आप अब करते हैं दोस्तों तो आपका जो काप का ये पार्ट है पूरा इधर से हिलता है, ओके। तो उसका मूवमेंट का क्या मतलब है दोस्तों, अगर आप वो ऊपर करेंगे और रिलीज करेंगे तो आपके काप पे प्रेशर आता है, ओके, उससे आपका काप डेवलपमेंट होता है। इसके आप 10 रेप लगाइए और इसके सेट कितने लगाने हैं, 3 सेट लगाइए, ओके, हर दिन हर रोज लगाना है आपको। आप देख सकते हैं, देखो डाउन अप दोस्तों, तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज काप के लिए, ओके। अब हम जाते हैं हमारे सेकेंड एक्सरसाइज पे जो काप के रिलेटेड है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जंप लगाना है, और जंप लगाते हुए आपको क्या करना है दोस्तों, आगे जाना है और उसके बाद जो हार्ड वाला पार्ट है आपको पीछे भी आना है, ओके। तो हम आपको साइड से दिखाएंगे, अभी ऐसे जंप करना है आपको, ऐसे जंप करते हुए आगे जाना, आगे जाने, ये तो इजी है, ये तो सब कर लेंगे दोस्तों। अभी मेन पॉइंट आपको पीछे भी आना है, पीछे आओ, देखो ये काप के आप देख सकते हैं, देखो काप देख सकते हैं, ओके। तो दोस्तों इसके आप इसके भी अगर आप बिगिनर हो तो 10 रेप लगाइए और 3 या 4 सेट लगाइए दोस्तों, ओके। तो ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है दोस्तों, पहले आप लगाएंगे अप डाउन वाला हो, उसके बाद आप पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे और फिर पीछे आएंगे, ओके, सेकेंड हो गया। और जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारा, उसको आपको क्या करना है, ऐसा बॉक्स की जगह ढूंढनी है, ओके, बॉक्स जंप बोलते हैं आप, आपको मालूम होगा बॉक्स जंप, तो वही आपको करना है। अभी आपको करके दिखाओ, देखो ये एक्सरसाइज आपको इस पर करनी है, अब इधर से देख सकते हैं आप, अभी इसके काप मसल पे कितना एफर्ट्स लग रहा है इसके काप्स को, इससे आपका काप्स डेवलप होता है दोस्तों, ओके। तो ये आपको करना है, आप अभी काप देख सकते हैं, देखो फिर से करके दिखाओ, ये एक्सरसाइज आपको करनी है दोस्तों, आपको ऐसी जगह ढूंढनी है कि जिससे आप ये एक्सरसाइज कर सको, ओके दोस्तों। तो इसके भी आपको अगर बिगिनर हो तो 10 रेप लगाइए और 3 सेट लगाइए, ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज। और दोस्तों जो चौथा हमारा एक्सरसाइज है, जो मेरा भी फेवरेट है और सबसे हार्ड है, और इंडियन आर्मी या कोई भी डिफेंस जॉब में
आपको यूज होता ही होता है वो है डक वॉक। दोस्तों डक वॉक करने का दोस्तों मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग डक वॉक गलत करते और डक वॉक से आपका पैर का जो स्ट्रेंथ है टाइटनेस है वो बढ़ जाता है। ओके तो दोस्तों डक वॉक कैसे करते हो? ओके तो दोस्तों पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने पैर पे बैठना है। ओके ओके और आपको आपका बॉडी आगे नहीं स्ट्रेट रखना है। तो इससे क्या होगा, पैर पे पूरा प्रेशर आएगा और डक वॉक करते कैसे, हाथ को आपके सर के ऊपर लगाना है, देखो सपोर्ट लेना हाथ पर, देखो ये ऐसे डक वॉक करना है ना कि आपको बैक को आगे नहीं डालना है। बहुत सारे लोग आगे डालते हैं, बैक को स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट रखना है बैक को और डक वॉक करना है। देखो आपके काफ मसल पे पूरा प्रेशर जाएगा और इसी तरह आपको पीछे भी आना है दोस्तों, जैसे आगे जाए वैसे आपको पीछे भी आना है। देखो ये पीछे आएगा, पीछे आने में दोस्तों बहुत एफर्ट लगते हैं। ओके ये पोजीशन का आपको फॉलो करना है, ये पोजीशन देखो अभी आप इसके काप देख सकते हैं दोस्तों, चार एक्सरसाइज किए दोस्तों, काप देखो आपने, ये देखो ये पार्ट, देखो ये पार्ट खाली चार एक्सरसाइज किए दोस्तों इसमें, ये देखो ये देखो। ओके सो दोस्तों ये थी हमारी चार एक्सरसाइज काप के लिए। ओके दोस्तों आप भी एक्सरसाइज ये फॉलो कर सकते हो और आपने काप जो है वो ट्रेंड कर सकते हो अच्छी तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।